हेलो गाइस, मैं स्कोतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको सैलरी की कैलकुलेशन बताने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको CTC बेसिक सैलरी, अर्न बेसिक सैलरी, नेट सैलरी या इनहैंड सैलरी और EPF और ESIC की कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं। गाइस क्या हमारी CTC अर्न बेसिक होती है या हमारी जो EPF और ESIC है वो अर्न बेसिक पर कैलकुलेट होता है ये बेसिक सैलरी पर, तो आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला जो कॉलम होगा वो होगा CL नंबर। CL नंबर में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनकी हम सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, पहला कॉलम हो गया सीरियल नंबर का। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी, जिसको हम CTC भी कहते हैं, कॉस्ट पर कंपनी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी हमारी वो होती है जो कि जिसमें सभी डिडक्शंस इंक्लूड होती हैं, मतलब कि हमारी इनहैंड सैलरी और नेट सैलरी अलग होती है। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में जाने के बाद आपको बेसिक सैलरी जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये बताई है, बट आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगी वो आपकी ऑल डिडक्शंस लेस होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिलेगी, तो वो हमारी बेसिक सैलरी होती है जो कंपनी की तरफ से बताई जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है, पर इन हैंड सैलरी हमारी ऑल डिडक्शंस माइनस करने के बाद होती है। अब अर्न बेसिक सैलरी या ग्रोथ सैलरी किसे कहते हैं? अब जैसे मान लीजिए एक महीने में 31 दिन होते हैं और उसमें से एम्प्लॉई 25 दिन आता है, तो उसकी अर्न बेसिक सैलरी या ग्रोथ सैलरी उस महीने की 25 दिन की कैलकुलेट होगी, मतलब कि उसको 25 दिन की पे होगी। ठीक है, वो हमारी अर्न बेसिक सैलरी या ग्रोथ सैलरी होती है। ठीक है, जितने दिन एम्प्लॉई वर्क करता है तो वो हमारी अर्न बेसिक सैलरी या ग्रोथ सैलरी होती है। ठीक है, अब बात आती है PF और ESIC। PF ESIC किस पर कैलकुलेट होता है? क्या हमारा वो बेसिक सैलरी पर होता है या हमारा ग्रोथ सैलरी पर होता है जो हमारी अर्न बेसिक सैलरी है? तो गाइस इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमारा PF और ESIC है वो हमारा अर्न बेसिक सैलरी जो कि हमारी ग्रोथ सैलरी पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, ESIC भी होगा प्रो, उसके बाद कॉलम है PT प्रोफेशनल टैक्स, फिर उसके बाद कॉलम है TDS का। यदि टैक्सेबल इनकम है एम्प्लॉय की और TDS की लाइबिलिटी बनती है तो उसका TDS भी कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई एडवांस भी लेता है तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, और उसके अलावा भी कोई अदर्स है तो अदर्स के लिए भी इसमें कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है टोटल डिडक्शन। ये हमारी PF, ESIC, PT, TDS या हमारी एडवांस सैलरी या अदर्स, ये सभी हमारी डिडक्शंस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसका कॉलम बनेगा टोटल डिडक्शंस का। फिर उसके बाद नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी का कॉलम बनाना है। ठीक है, तो गाइस जो हमारा एम्प्लॉई है यश गौतम, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 31,500 रुपये है। ठीक है, यश गौतम की बेसिक सैलरी 31,500 रुपये है, पर इसकी जो अर्न बेसिक सैलरी ग्रोथ सैलरी है वो 15,000 है। क्यों? क्योंकि गाइस ये डेज़ के अनुसार है, जितने डेज यश गौतम आया है उसके अनुसार ही इसकी अर्न बेसिक सैलरी है, ग्रोथ सैलरी है। यदि गाइस आप चाहते हैं बेसिक सैलरी निकालना तो गाइस इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार राज गौतम की 19,500 है जिसको 12,097 रुपये है। अजय कुमार की 21,500 रुपये है जिसकी अर्न बेसिक 15,321 है। इसी प्रकार सभी की इसमें दी हुई है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी और अर्न बेसिक सैलरी इसमें लिखी हुई है। अब हमें PF कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको PF कैलकुलेट करने से पहले आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो इसकी है 12%, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू राउंड का लगाएंगे ब्रैकेट ऑन इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ऑन अर्न बेसिक वाला कॉलम या ग्रोथ सैलरी वाला कॉलम, अर्न बेसिक सैलरी वाला कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 12/100, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद जीरो लगाएंगे
और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो गाइज ये जो हमारी अमाउंट है ये राउंड ऑफ में आएगी, ठीक है, ये पॉइंटों में नहीं आने की है। यदि आप इस अनबेसिक सैलरी का 12% निकालते हैं तो किसी किसी में पॉइंटों में भी आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो पीएफ यश गौतम की बेसिक सैलरी 31,500 थी, अनबेसिक सैलरी 15,000 थी, ठीक है। तो हमने जो हमारी ग्रोथ सैलरी है अर्न बेसिक सैलरी के अनुसार हमने पीएफ कैलकुलेट किया। इसी प्रकार फॉर्मूला लगाकर एक फॉर्मूला लगाकर सभी को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी में आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सभी का पीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद ईएसआईसी, ठीक है, तो इसका भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ऑन। तो गाइस ईएसआईसी की जो परसेंटेज है वो है 0.75% अर्न बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो 0.75% अपॉन 100 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ईएसआईसी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, किसकी, यश गौतम की। आपको बस एक एक कॉलम में फॉर्मूला लगाना है, बाकी को कॉपी पेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो सभी का पीएफ और ईएसआईसी निकल कर आ जाएगा। अब जैसे कि यश गौतम का 113 रुपये ईएसआईसी निकल कर आ गया है, इसी प्रकार कॉपी पेस्ट करेंगे और सभी का यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी ईएसआईसी की, ठीक है। फिर उसके बाद है पीटी, पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई कोई अपनी सर्विस देता है अलग से, ठीक है, तो वो हमारा प्रोफेशनल टैक्स होगा। और किसी का यदि प्रोफेशनल टैक्स है तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल टैक्स डाल देंगे। अब गाइस देखिए अजय कुमार की पीएफ 2839 रुपये है, ईएसआईसी 115 रुपये है, जो कि कैलकुलेट होने के बाद आया है। किस पर कैलकुलेट किया है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो आपका पीएफ ईएसआईसी जो कैलकुलेट होगा वो होगा अर्न बेसिक सैलरी पर, जिसको हम ग्रोथ सैलरी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यश गौतम की जो पीटी है प्रोफेशनल टैक्स है, मान लीजिए 2,000 रुपये है, ठीक है, अलग से पे हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए अजय कुमार है, अजय कुमार जो एम्प्लॉई है इसको भी कंपनी पे कर रही है 3,000 रुपये। फिर उसके बाद अशोक कुमार, अशोक कुमार को जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स पे हो रहा है 5,000 रुपये का, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब बात आती है टीडीएस की। गाइस ये हमारा जो टीडीएस है ये एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टीडीएस कैलकुलेट होता है, ठीक है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है, जिस पर टैक्स की सॉरी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, तो उसका टीडीएस की कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई एडवांस सैलरी लेता है, तो एडवांस सैलरी के लिए भी कॉलम हमने दिया हुआ है, जिसमें कि हम एडवांस सैलरी की अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई एडवांस लेता है तो उसकी अमाउंट इसमें हमें डालनी है। अब जैसे मान लीजिए यश गौतम है, ठीक है, यश गौतम ने एडवांस सैलरी ली है, या हमारा राज गौतम, अजय कुमार, राहुल कुमार या अशोक कुमार जितने भी एम्प्लॉई हैं या इनमें से कोई भी एडवांस सैलरी लेता है तो उसके लिए भी कॉलम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए अजय कुमार ने 5,000 रुपये एडवांस लिए हैं और अशोक कुमार ने यहाँ पर एडवांस लिया है, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉई ने एडवांस लिया है वो आपको इस कॉलम में डालना है। फिर अदर्स में भी यदि कोई है तो अदर्स में भी आपको डाल देना है। अब बात आती है टोटल डिडक्शन की। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और सम में प्लस करेंगे किसको, पीएफ ईएसआईसी वाला कॉलम, पीटी वाला कॉलम, टीडीएस वाला कॉलम, एडवांस सैलरी वाला कॉलम और अदर्स वाला, सबको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद हम इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन
पीएफ वाला कॉलम, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस, एडवांस सैलरी और अदर्स वाला कॉलम, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो टोटल डिडक्शन जितनी भी हमारी डिडक्शन है ये हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए राज गौतम है, तो राज गौतम की यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस, एडवांस सैलरी और अदर्स के कॉलम को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस, एडवांस सैलरी और अदर्स वाला कॉलम सभी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने फॉर्मूला लगा लिया है तो सभी पर हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे तो सभी का यहाँ पर टोटल डिडक्शंस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई डिडक्शंस। अब हमें इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी निकालनी है जो एम्प्लॉय को पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम इज़ इक्वल टू अर्न बेसिक सैलरी वाला कॉलम। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बेसिक सैलरी आपको चूज़ नहीं करना है, क्योंकि गाइस जितने दिन एम्प्लॉई आया है उसी के अनुसार ही उसको सैलरी पे होगी। तो अर्न बेसिक सैलरी वाला कॉलम और माइनस टोटल डिडक्शन वाला कॉलम, मतलब कि अर्न बेसिक सैलरी में से माइनस करनी है हमें टोटल डिडक्शंस को, जितनी भी डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो अब अर्न बेसिक सैलरी कितनी है यश गौतम की, 1500 रुपये। पीएफ कितना, 1800 रुपये। ईएसआईसी 113 रुपये है, जिसमें कि डिडक्शंस माइनस करने के बाद उसे जो नेट सैलरी दी जाएगी, इन हैंड सैलरी दी जाएगी, वो दी जाएगी 11087 रुपये, ठीक है। ऐसी आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है इन सैलरी वाले कॉलम में। एक बार यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा और आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, जिससे कि सभी की इन हैंड सैलरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इन हैंड सैलरी वाले एक कॉलम में हमने फॉर्मूला लगाया और सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए राज गौतम है, उसकी बेसिक सैलरी 19500 रुपये है, अर्न बेसिक सैलरी 12097 रुपये है और उसको 10554 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि गाइस उसकी जो सैलरी, जो बेसिक सैलरी कैलकुलेट हुई है वो हुई है डेज के अनुसार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए राहुल कुमार 16500 रुपये उसकी बेसिक सैलरी है और ग्रोस सैलरी 12351 रुपये है, जिसको 10776 रुपये मिले, क्यों, क्योंकि वो डेज के अनुसार उसकी सैलरी कैलकुलेट हुई है। तो गाइस जो यश गौतम है, यश गौतम की बेसिक सैलरी 31500 रुपये है, अर्न बेसिक जो सैलरी है वो 15000 रुपये है एक मंथ की, ठीक है। जितनी डेज उसने काम किया है तो उसके अनुसार उसकी अर्न बेसिक सैलरी है, ठीक है। बेसिक सैलरी 31500 रुपये थी, अर्न बेसिक सैलरी 15000 रुपये थी और पीएफ जो था वो अर्न बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करके 2800 रुपये आया है और ईएसआईसी 113 रुपये है। अब जो राज गौतम है, राज गौतम की जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो 19500 रुपये है, पीएफ निकल कर आया 1452 रुपये और ईएसआईसी 91 रुपये। अब उसके बाद अजय कुमार का जो पीएफ है वो 2839 रुपये आया है और ईएसआईसी 115 रुपये। राहुल कुमार जिसकी बेसिक सैलरी 16500 थी, जिसका पीएफ निकल कर 1482 रुपये आया है और ईएसआईसी 93 रुपये है। तो इसी प्रकार अशोक कुमार की बेसिक सैलरी 40500 है और अर्न बेसिक सैलरी 32511 रुपये है, जिसका पीएफ 3901 रुपये और ईएसआईसी 244 रुपये निकल कर आया है, ठीक है। और इसमें से माइनस करने के बाद सभी डिडक्शंस को उनकी इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी निकल कर आ गई है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।